तो दोस्तों, अगर आप एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो पेटीएम पेमेंट बैंक एक सही अकाउंट है। यानी कि आप पहले भी मेरा 2016 में ही अकाउंट ओपन करवाया था, यानी कि फुल केवाईसी करवाया था, वीडियो केवाईसी, जिसमें 2020 में इसे जो है 21 में इसे बैन कर दिया गया था RBI के जरिए। एक्चुअली पेटीएम को बैन नहीं किया गया था, उसमें जो नए कस्टमर को ऐड करने से रोक लगा दी गई थी, जो कि अभी तक भी रोक लगाए हुआ है। लेकिन इसका जो है किसी भी प्रोसेस से अकाउंट ओपन अभी नहीं होता है, लेकिन KYC जो पॉइंट है, यानी कि जिसका KYC पॉइंट होता है, वहाँ से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वैसे मेरा अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देखें आप, तो मेरा मैम इससे बहुत ही ट्रांजैक्शन करता हूँ। फिलहाल मेरा SBI और सेंट्रल बैंक जो है, उन दोनों से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसी का होता है, क्योंकि ये बैंक जो है काफ़ी मतलब ज़्यादा फैसिलिटी देती है। इसमें अगर आप देखें तो मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री काफ़ी बेटर ही है। वहीं अगर यहाँ सेल्फ ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड की बात करें, तो यहाँ वीज़ा डेबिट कार्ड पहले जो है रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता था। इन डेबिट कार्ड का फीस भी काफ़ी कम है, 150 रुपये फीस है। यानी कि दूसरे बैंक के मुकाबले अगर सेंट्रल बैंक से कंपेयर किया जाए, तो उसमें वीज़ा डेबिट कार्ड प्रोवाइड करना काफ़ी मतलब बेटर है। वीज़ा कार्ड से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी मतलब बेनिफिट्स मिलता है। और वहीं अगर इसमें मैं EMI करके रखा हूँ, यानी कि मेरा पर 3 तारीख को EMI कटता है, ये देख सकते हैं LNT का 2 पेमेंट है, यहाँ दिखा दूँ 2 पेमेंट इसका कट चुका है। ये EMI में भी काफ़ी है, मतलब दूसरे बैंक के मुकाबले। सेंट्रल बैंक पहले था, लेकिन वहाँ से ठीक से पेमेंट नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने PTM का बाद में चेंज करवा लिया, काफ़ी आसानी से चेंज हो गया। यहाँ सर्विस देख सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र, ऑटो पेमेंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, वॉलेट, बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, मैनेजिंग कैंसिल चेक, चेक भी कैंसिल करवा सकते हैं, मेरे पास चेक भी है, चेक भी ऑर्डर करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विड्रॉल कैश, आप कैश विड्रो कर सकते हैं KYC पॉइंट से, यानी कि PTM का जो, ये देख सकते हैं चेकबुक है, यहाँ चेकबुक का नंबर है, मैंने हाइड कर दिया सिक्योरिटी रीज़न के लिए। व्यू सिग्नेचर पर क्लिक करूँ तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ वो मुझे ये आपको अपडेट करने बोल रहा है, उसके बाद हमें सिग्नेचर दिखाया जाएगा। चलिए हम गो बैक कर लेते हैं। वैसे अगर आप भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, 2023 में ये जो है KYC स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।